2022 के अंदर काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स जो हैं वो लॉन्च हुई और 2023 के अंदर भी काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स जो हैं वो आने वाली हैं। तो कौन कौन सी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स आपको 2023 के अंदर देखने को मिलने वाली हैं, सभी की डिटेल्स मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। मेरा नाम है शुभम त्यागी, आप देख रहे हैं NBT ऑटो। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर पर मैंने रखा है ओबिन रोर को। ओबिन रोर जो है वो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, इसको ऑलरेडी अनवील कर दिया गया था 2022 के अंदर, इसकी प्राइस भी अनाउंस हो गई थी, लेकिन ये बाइक बुकिंग में थी और इसकी डिलीवरी वगैरह से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ नहीं थी। इस बाइक की जो डिलीवरी है वो 2023 से स्टार्ट हो जाएंगी। इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको 10 kW की मोटर देखने को मिलेगी, 4.4 kWh लिथियम आयन बैटरी पैक के साथ में ये बाइक आएगी। टॉप स्पीड की अगर बात करूं तो 100 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड कंपनी इसमें क्लेम कर रही है और रेंज यहां पर कंपनी 200 किलोमीटर की क्लेम कर रही है। बाकी राइडिंग मोड्स के साथ में बाइक आएगी तो हर एक राइडिंग मोड के अकॉर्डिंग आपको यहां पर रेंज में डिफरेंस देखने को मिलेगा। इस बाइक को लॉन्च किया गया है 1,03,000 rupees की एक्स शोरूम प्राइस के साथ में और ओबिन रोर जो है वो जल्दी आपको 2023 के अंदर भारतीय सड़कों पर देखने को मिलने वाली है। बात कर लेते हैं सेकेंड बाइक के बारे में जो कि मैटर ई इलेक्ट्रिक है। मैटर की तरफ से इस बाइक को लॉन्च किया गया था, हालांकि इसका कोई भी नाम अनवील नहीं किया है कंपनी ने और ये इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक बाइक है जो कि गियर्स के साथ में आपको देखने को मिलने वाली है। इस बाइक के अंदर आपको 4 गियर मिलेंगे और राइडिंग मोड्स भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा और क्या कुछ मिलता है उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आपको 10.5 kW की मोटर मिलेगी और बैटरी की अगर मैं बात करूं तो 5 kWh की लिथियम आयन बैटरी के साथ में ये मोटरसाइकिल हमें देखने को मिलने वाली है इंडियन मार्केट के अंदर। कंपनी जो रेंज क्लेम कर रही है वो 125 टू 150 किलोमीटर की कर रही है। प्राइस इस बाइक का जो है वो अनवील नहीं किया गया है, ना ही टॉप स्पीड वगैरह की यहाँ पर कोई डिटेल कंपनी ने भी शेयर की है। तो इसको केवल अनवील किया गया था 2022 के अंदर और इसको ऑफिशियल लॉन्च जो है वो 2023 के अंदर किया जाएगा और इसकी डिलीवरीज भी 2023 में हमें देखने को मिल जाएंगी। बाइक की प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि 1.50 lakh rupees की एक्स शोरूम प्राइस के साथ में हमें ये मोटरसाइकिल इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं लिस्ट की थर्ड मोटरसाइकिल के साथ में, ये आपको देखने को मिलेगी हीरो इलेक्ट्रिक की तरफ से और ये हीरो इलेक्ट्रिक की फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल होने वाली है। अभी तक हीरो इलेक्ट्रिक जो है वो स्कूटर सेल कर रहे थे, इस बाइक को अनवील कर दिया गया है लेकिन इसको लॉन्च नहीं किया गया है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स भी इसकी रिवील नहीं की है कंपनी ने। इस बाइक के अंदर आपको 4 kW की मोटर देखने को मिलेगी और बाइक के साथ में 160 km की रेंज जो वो कंपनी क्लेम कर रही है। प्राइसिंग वगैरह जो अनवील नहीं की गई है लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ये बाइक भी आपको अप्रॉक्स 1.50 lakh rupees एक्स शोरूम प्राइस के आसपास में देखने को मिलने वाली है। तो ये तीन ऐसी बाइक्स हैं जो कि ऑलरेडी इंडियन मार्केट के अंदर अनवील कर दी गई हैं, जिनका प्राइस नहीं है या फिर डिलीवरीज नहीं हुई है। इसके अलावा फोर्थ बाइक आपको देखने को मिलेगी ओला की तरफ से, ओला S1 और S1 Pro। ओला ऑलरेडी इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। S1 सीरीज़ जो है वो काफ़ी बढ़िया इंडियन मार्केट के अंदर परफॉर्म कर रही है और ओला जो है वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भी इंडियन मार्केट के अंदर लेकर आने वाला है। हालांकि इस बाइक से रिलेटेड कोई और डिटेल जो है वो कंपनी ने शेयर नहीं की है, लेकिन माना यह जा रहा है कि ये बाइक जो है वो आपको ईजिली 180 टू 200 किलोमीटर की रेंज जो है वो प्रोवाइड कराएगी और प्राइस जो है वो आपको इसका S1 Pro से थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाकी इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन अभी ओला ने इस बाइक से रिलेटेड शेयर नहीं की है। बात कर लेते हैं लिस्ट की फिफ्थ और लास्ट मोटरसाइकिल के साथ में जो कि हमें ऑटो एक्सपो के अंदर ही देखने को मिल सकती है। फिफ्थ पोजीशन पर मैंने जिस बाइक को रखा है वो आपको देखने को मिलेगी ओकिनावा की तरफ से। ओकिनावा ने हालांकि कोई भी नाम अनवील नहीं किया है कि क्या नाम बाइक का होने वाला है, लेकिन ये उन्होंने कंफर्म करा दिया है कि ऑटो एक्सपो के अंदर उनकी तरफ से एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल हमें देखने को मिलने वाली है। बाकी और जो भी डिटेल्स हैं वो आपको ऑटो एक्सपो के टाइम पे देखने को मिलेंगी। तो ये 5 ऐसी मोटरसाइकिल्स हैं जो आपको 2023 के अंदर इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलने वाली हैं। इससे रिलेटेड आपका क्या विचार है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप उनको मिस ना कर पाएं। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में।